जिले के सासाराम में एक दलित युवती की गला रेत कर हत्या के बाद बिहार विधानसभा की अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति के सभापति विधायक ललन पासवान पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मृतक उषा कुमारी की मां से पूरे घटना की जानकारी ली। वहीं स्थानीय पुलिस अधिकारियों से भी बातचीत की। बता दें कि कल उषा कुमारी की उसके ही घर में अकेला पाकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। देखिए, मुझे तो कल ही पता चला, आलोक और कई लोग बताए, राजा राम प्रसाद तुरंत मैं एसपी से बतिया, डीएम से बतिया, तो एसपी कहे कि मैं तुरंत मूव कर रहा था, आए भी थे एसपी। तो मुझे लगता है कि अब जैसे उनकी मदर बता रही है कि घटना में बाहर के लोगों का है, लेकिन ये निर्मम हत्या दुर्भाग्यपूर्ण हत्या है। और इतना ये गाँव बड़ी मैंने पहले से भी सक्रिय गांव, हर कामों से पढ़ने लिखने से थोड़ा तो पीछे साइड है, कैसे इसको करके निकल गया। तो मोरसराय से कोई करके कोई घटना निकल जाए तो बड़ा आश्चर्य बात है, सतवा आश्चर्य। यहाँ से कोई निकल नहीं पाता, वो तो ये एक्सीडेंट करके निकल पड़ता, हत्या करके किससे निकल गया। लगता है कि मोरसराय का ये बड़ा घटना है, ऐतिहासिक घटना है, और ये सब लोग हास्पद हैं, यहाँ जितने बुजुर्ग हैं चाहे जितने नौजवान हैं। तो पुलिस का जितना काम है, एसपी पर खासकर मुझे यह है कि अच्छे पदाधिकारी हैं और उसको काम करेंगे, और सत्यार्थी भी यहाँ जो थानेदार हैं, तो हमको लगता है कि पुलिस पकड़ लेगी अपराधी को और न्याय मिलना चाहिए। और जितना आगे का जो कार्रवाई होगा, चाहे वो डीजी से काम करना हो, ऊपर से काम करना, हम तो उसी कमेटी को देखते हैं, तो मैं स्वयं भी इसको देखूंगा, लेकिन प्रशासन का काम इन लोगों का है। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है, और बाकी जो चीज़ है उसकी मदद के लिए जो हम लोगों को जो सरकार के द्वारा और हमारे द्वारा जो होना होगा वो होगा, लेकिन यह घटना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। परिवार बहुत गरीब है सर, बहुत निडी है, गरीब तो इतनी कुछ है, मुआवजा वगैरह सहायता। अब इसकी मदर जो है स्कूल में खाना बनाती है, तो खाना बनाती है तो पता नहीं 1,000 मिलता है कि 500, मैंने 1,500। तो मैंने कही है कि मनरेगा का भी नियम के खिलाफ है, स्कूल में पैसा मिलता है, मनरेगा में भी 200 से ऊपर रुपया मिलता है, 177 रुपया, और अभी तो इसको मिलता है 1,500 रुपया, तो 50 रुपया से भी कम मिलता है। मुआवजा वगैरह के लिए कुछ मुआवजा तो मिलेगा ही ना, एक्ट के तहत इसको 8 लाख रुपया मिलने का प्रावधान है। फर्स्ट स्टेज में FIR इन्होंने दर्ज करेंगे तो मुआवजा मिलेगा। केस 2-3 स्टेज में मिलता है एक्ट्रोसिटी एक्ट का, और खासकर दलित लड़के लड़कियों के साथ चाहे पुरुषों की हत्या हो तो इसका बलात्कार है, इसमें मैक्सिमम हम लोग का प्रयास रहेगा अभियुक्त बचे नहीं, जितना कठोर कार्रवाई हो सके उसके प्रति प्रतिबद्धता है। और मुआवजा वाला काम तो भारत सरकार बिहार सरकार का निर्धारित है एक्ट्रोसिटी एक्ट के तहत। FIR